हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म की सेकंड वीडियो। इसके पहले हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने बात करी थी प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के अंदर दो चीज़ें आती है, उनका सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन। देन थर्ड चीज़ जो है, यानी कि उनका प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का क्लिनिकल इम्पैक्ट, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर दो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, गाउट एंड लेशनियान सिंड्रोम। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गाउट से। गाउट, गाउट को हम हाइपर यूरिसीमिया भी कह सकते हैं। गाउट के अंदर क्या होता है, हमारे जो ब्लड का सीरम होता है, ब्लड सीरम लेवल ऑफ यूरिक एसिड, वो इंक्रीज हो जाता है। इसे हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं या गाउट कह सकते हैं। सबसे पहले हमें बताया कि यूरिक एसिड कब बनता है, जब प्यूरिन का डिग्रेडेशन होता है। तो उसका नॉर्मल लेवल हमें पता होना चाहिए ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 3 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 3 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब हमने कहा है कि गाउट क्या है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड अपनी बॉडी में किस तरह से रहता है उसे हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, यूरिक एसिड जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो उसकी एक मोर सोल्यूबल फॉर्म होती है सोडियम यूरेट। सोडियम यूरेट के फॉर्म में अपनी बॉडी में यूरिक एसिड रहता है। तो जब गाउट हो जाता है, या अपन यूँ कह लें कि यूरिक एसिड अपनी बॉडी में बढ़ जाता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है, तब सोडियम यूरेट जो है ना, वो सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। सॉफ्ट टिश्यूज़ की बात करें तो जैसे जॉइंट्स हैं, तो जॉइंट्स में वैसे तो बोन्स हार्ड टिश्यू है, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि जॉइंट को इनर लाइनिंग, जो जॉइंट कैविटी की होती है उसको लाइन करती है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन एक सॉफ्ट टिश्यू है, तो वहाँ पर जाकर सोडियम यूरेट जो है वो जमा हो जाता है, जिसके क्रिस्टल्स जो होते हैं सोडियम यूरेट के, उन्हें हम टॉफी बोलते हैं। तो वो जो टॉफी होते हैं वो इन्फ्लामेशन करते हैं जॉइंट्स में, और इन्फ्लामेशन, और उसी इन्फ्लामेशन की वजह से हमें होता है पेन। तो इसे बोल देते हैं गाउटी अर्थराइटिस। तो ये भी एक इसका सिम्टम है। अगला हम बात करते हैं कि ये जो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल है, ये जॉइंट्स में तो जमा हो ही सकते हैं, साथ ही ये डिपॉजिट हो सकते हैं किडनी में, और किडनी में अगर ये डिपॉजिट होंगे तो हम इसे बोलेंगे रीनल स्टोन। अब इसके कॉज की बात करें तो एल्कोहल कंजप्शन कॉजेस गाउट। अब एल्कोहल कंजप्शन कैसे गाउट कॉज करता है, जब एल्कोहल की जब प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री में, तब उसका कंटामिनेशन हो जाता है लेड के साथ। तो जो लेड है वो अपनी किडनी के लिए हानिकारक है, वो अपनी किडनी को डैमेज करता है। तो किडनी अगर डैमेज हो जाएगी तो वो यूरिक एसिड को जो बाहर निकाल रही थी, एक्सक्रीट कर पा रही थी, उतना एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि अपने ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें गाउट हो जाएगा। मीट और सी फूड भी गाउट के रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं। इसका रीज़न समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मीट और सी फूड को हम न्यूक्लिक एसिड्स में रिच फूड मानते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स अगर मीट और सी फूड के अंदर ज़्यादा होंगे, तो जब हमारी बॉडी उन न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लेगी, तो एज ए रिजल्ट हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स बढ़ जाएंगे, प्यूरिन्स भी बढ़ जाएंगे, पायरिमिडिन्स भी बढ़ जाएंगे। तो जब प्यूरिन्स बढ़ जाएंगे तो उनका डिग्रेडेशन भी ज़्यादा होगा, और डिग्रेडेशन ज़्यादा होने की वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा और गाउट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं गाउट की, गाउट के कॉजेस की। तो गाउट जो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप्स का होता है। तो प्राइमरी गाउट और सेकेंडरी गाउट में क्या अंतर है, प्राइमरी गाउट तो प्यूरिन के ज़्यादा बनने की वजह से होता है, जबकि सेकेंडरी गाउट प्यूरिन के ज़्यादा टूटने की वजह से होता है। प्यूरिन ज़्यादा बने या प्यूरिन ज़्यादा टूटे, दोनों ही कंडीशन में यूरिक एसिड अपनी बॉडी में बढ़ेगा और गाउट होएगा। तो प्राइमरी गाउट पे आते हैं। प्राइमरी गाउट को बोलते हैं इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। प्राइमरी गाउट के रीजंस देखते हैं, तो दो एंजाइम सिंथेसिस के, पीआरपीपी सिंथेटेज और पीआरपीपी ग्लूटामिल अमीडो ट्रांसफरेज, तो इन दोनों का अगर लैक ऑफ फीडबैक इनहिबिशन हो जाएगा तो हमें गाउट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिंथेसिस के एंजाइम्स हैं। अगर ये दोनों का फीडबैक इनहिबिशन नहीं होगा तो ये एंजाइम्स ज़्यादा वर्क करेंगे, और ज़्यादा वर्क करने की वजह से ज़्यादा सिंथेसिस होगा प्यूरिन का, और प्यूरिन ज़्यादा बनेंगे तो गाउट होएगा। HGPRT डेफिशिएंसी, HGPRT जो एंजाइम है वो है साल्वेज पाथवे का। साल्वेज पाथवे अगर डेफिशिएंट होगा तो यूँ तो हमें लगता है कि प्यूरिन कम बनेंगे और गाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन साल्वेज पाथवे के कम होने की वजह से जो डिनोवो सिंथेसिस वाला पाथवे वो स्टिमुलेट हो जाता है, और इस वजह से प्यूरिन्स का अमाउंट बढ़ जाता है, जो कि गाउट कॉज करता है। अगले दो पॉइंट्स दोस्तों समझने में थोड़े मुश्किल हैं। पहला है ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज डेफिशिएंसी, और दूसरा है एलिवेशन ऑफ ग्लूटाथायोन रिडक्टेज लेवल। पहला पॉइंट लेते हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज डेफिशिएंसी। तो
तो ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो अपनी बॉडी में क्या बढ़ जाएगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो सब्सट्रेट होता है एचएमपी का, एचएमपी शंट का। तो एचएमपी ज़्यादा चलेगा जब उसका सब्सट्रेट ज़्यादा है तो, और एचएमपी ज़्यादा चलेगा तो बनेगा राइबोज 5-फॉस्फेट, और राइबोज 5-फॉस्फेट जो है वो एचएमपी का प्रोडक्ट भी है, प्लस प्यूरिन सिंथेसिस के लिए वो रॉ प्रोडक्ट भी है। तो प्यूरिन सिंथेसिस भी बढ़ गया एचएमपी के ज़्यादा होने से, और प्यूरिन सिंथेसिस बढ़ गया तो हमें गाउट के रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि बाद में वो यूरिक एसिड ही बनाने वाले हैं प्यूरिन। एलिवेशन ऑफ ग्लूटाथायोन रिडक्टेस, ये जब होगा एलिवेट ग्लूटाथायोन रिडक्टेस तो एनएडी प्लस भी बढ़ जाएगा। एनएडी प्लस क्यों बढ़ता है, इसके लिए आप मैकेनिज्म देख लीजिएगा, बाकी आप सिर्फ इतना याद रखें कि एनएडी प्लस बढ़ जाता है। एनएडी प्लस बढ़ने की वजह से एचएमपी शंट को भी एनएडी प्लस चाहिए, एचएमपी शंट भी बढ़ेगा, एचएमपी शंट बढ़ेगा तो राइबोस 5-फॉस्फेट का अमाउंट बढ़ेगा, और राइबोस 5-फॉस्फेट का अमाउंट अगर बढ़ जाता है तो प्यूरिन सिंथेसिस ज़्यादा होगा, और प्यूरिन सिंथेसिस ज़्यादा होने की वजह से गाउट हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंडरी गाउट पे। सेकेंडरी गाउट का रीज़न होता है ड्यू टू इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड के ज़्यादा डिग्रेडेशन की वजह से। दोस्तों ये कई बीमारियों में देखा जाता है, ज़्यादातर ये बीमारियाँ होती है कैंसर या किडनी के डिसऑर्डर। किडनी के डिसऑर्डर होंगे तो यूरिक एसिड बाहर अपनी बॉडी से कम निकलेगा, इस वजह से गाउट हो जाएगा। और कैंसर्स में क्या होता है कि इंक्रीज टिश्यू ब्रेकडाउन होता है, इंक्रीज टिश्यू ब्रेकडाउन होगा तो टिश्यू के अंदर जो डीएनए आरएनए है वो बाहर आ जाएगा, उनका डिग्रेडेशन जब होगा तो यूरिक एसिड बन जाएंगे। तो कैंसर कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे लूकेमियाज हो सकते हैं, पॉलीसिथेमिया हो सकते हैं, और लिम्फोमाज हो सकते हैं। एक और डिजीज है सोरियासिस। सोरियासिस में ये स्किन की डिजीज है, इसमें इसके लिए लेजन्स होते हैं, इसमें भी टिश्यू ब्रेकडाउन होता है और इस वजह से गाउट कॉज करने के लिए रिस्क फैक्टर है। अच्छा अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। गाउट हो गया, अब उसको ट्रीट कैसे किया जाए, तो ट्रीटमेंट इसका बहुत ही आसान है। गाउट हो रहा है यूरिक एसिड के ज़्यादा बढ़ने से, यूरिक एसिड क्यों बन रहा है, क्योंकि उस प्यूरिन्स का हो रहा है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन को अगर रोक दिया जाए तो यूरिक एसिड कम हो जाएगा। तो डिग्रेडेशन के लिए अपन ने याद रख रखा है जेंथिन ऑक्सीडेज को। जेंथिन ऑक्सीडेज को अगर हम इनिबिट कर रहे हैं एलोप्यूरिनोल जो कि उसका इनिबिटर है उससे, तो हम गाउट का ट्रीटमेंट बना सकते हैं। तो इसीलिए एलोप्यूरिनोल जो होता है वो फर्स्ट ड्रग होता है चॉइस के लिए, जिसको हम ट्रीट करेंगे गाउट के लिए। और मोड ऑफ एक्शन इसका दो तरह से समझ सकते हैं, एक तो गाउट एलोप्यूरिनोल खुद इनिबिटर है जेंथिन ऑक्सीडेज का, प्लस अगर जेंथिन ऑक्सीडेज एलोप्यूरिनोल को एज ए सब्सट्रेट भी एक्ट कर लेता है, मतलब एलोप्यूरिनोल सब्सट्रेट है और जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम है, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एलोजेंथिन। और एलोजेंथिन जो है वो और भी ज़्यादा पोटेंट इनिबिटर है जेंथिन ऑक्सीडेज का, यानी कि ये एक एग्जाम्पल है सुसाइड इनिबिशन का। तो इसलिए ये मोड ऑफ एक्शन अगर आपसे वन वर्ड में पूछा जाए तो आप बोलेंगे सुसाइड इनिबिशन, और वैसे लिखना हो तो आप दोनों लिख सकते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिटर और सुसाइड इनिबिशन। अब हम बात करते हैं अदर ट्रीटमेंट में, तो एक एक ट्रीटमेंट हो सकता है यूरिकोसूरिक ड्रग्स। यूरिकोसूरिक ड्रग्स को आप डायूरेटिक्स के तरह समझ सकते हैं, कि यूरिकोसूरिक ड्रग क्या करवाते हैं कि यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू पास करवा देते हैं। इससे क्या होता है बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है और गाउट ट्रीट कर सकते हैं। इस टाइप के ड्रग्स का एग्जांपल है प्रोबिना एसिड। ये यूरिकोसूरिक ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन ऐसा होता है कि ये किडनी के अंदर जो है ना यूरिक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन कम करवा देते हैं, इस तरह से ये एक्ट करते हैं। हम गाउट को एक और तरह से ट्रीट कर सकते हैं, वो है रेस्ट्रिक्शन इन डाइट्री इंटेक ऑफ प्यूरिन एंड अल्कोहल। अगर प्यूरिन हम कम लेंगे तो उनका डिग्रेडेशन कम होगा, जिससे हमें गाउट के रिस्क कम हो जाएंगे। और अगर अल्कोहल को हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो जो रिस्क फैक्टर हमने पढ़ा था लेड वाला वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, इससे गाउट होने के चांस कम हो जाएंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जैसे कि कोल्चिसिन होते हैं, ये गाउटी अर्थराइटिस को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बने थे टोफी और टोफी करवा रहे थे इन्फ्लामेशन। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देखे हम कोल्चिसिन को यूज़ कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो हमें गाउटी अर्थराइटिस में जो पेन देखने को मिलता है पेशेंट्स में वो नहीं होगा। अब दोस्तों गाउट तो हमने पढ़ लिया, ये यहीं तक था। अब कई बार क्या होता है कि सूडो गाउट की कंडीशन भी आती है, पेशेंट आपके पास आएगा उसके जो सिम्टम्स होंगे जो वो कंप्लेंट्स बताएगा आपको वो बिल्कुल सिमिलर होगी गाउट की, यानी कि जॉइंट्स में पेन हो सकता है उसके उसका आप पर
जॉइंट्स में पेन तो मिलेगा लेकिन आपको यूरिक एसिड उसका नॉर्मल मिलेगा, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या बीमारी उसको हो सकती है? तो इसी के लिए हमें पढ़ना होगा सूडो गाउट। सूडो गाउट नाम से समझ में आ रहा है, सूडो यानी कि झूठा और गाउट यानी कि दिख तो ये गाउट जैसा रहा है लेकिन ये है नहीं। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल जमा होते हैं जॉइंट में। ओरिजिनल गाउट में किसके क्रिस्टल जमा हो रहे थे? सोडियम यूरेट के। अब यहाँ पे जमा हो रहे हैं कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के। तो इसके मैनिफेस्टेशन तो सिमिलर टू गाउट है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि जो कंप्लेंट्स करेगा, बट सीरम यूरिक एसिड कंसेंट्रेशन नॉर्मल आएगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये गाउट नहीं बल्कि सूडो गाउट है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक की ओर। सेकंड टॉपिक है लेश नियान सिंड्रोम। इसमें HGPRT एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। अब HGPRT एंजाइम आपको याद हो गया होगा कि साल्वेज पाथवे का एंजाइम है, तो साल्वेज पाथवे के एंजाइम की इसमें डेफिशिएंसी होती है। ये जो डिजीज है ये सेक्स लिंक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक्स क्रोमोसोम पे इसका इनहेरिटेंस होता है और ये केवल मेल्स को इफेक्ट करती है। ये इसलिए क्योंकि इसका जो क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम है। इसमें भी एक्सेसिव यूरिक एसिड प्रोडक्शन होता है, गाउट में भी एक्सेसिव यूरिक एसिड प्रोडक्शन होता है, इसी में भी एक्सेसिव यूरिक एसिड प्रोडक्शन होता है और इस एज ए रिजल्ट इसमें भी वो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल जमा होंगे, तो गाउटी अर्थराइटिस हो जाएगा। और पर इसमें एडिशनली हमें न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज भी देखने को मिलती है। न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज यानी कि मेंटल रिटार्डेशन वगैरह वगैरह ये सब भी देखने को मिलता है। प्लस इस पेशेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका जो याद रखना जरूरी है, वो है इररेजिस्टेबल अर्ज टू बाइट फिंगर्स एंड लिप्स, ये पेशेंट में मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे इंक्रीज इन यूरिक एसिड क्यों हुआ। तो यूरिक एसिड का इंक्रीज बहुत सिंपल है, क्योंकि HGPRT की डेफिशिएंसी हुई। ये अपने पॉइंट पढ़ा था प्राइमरी गाउट में कि साल्वेज पाथवे कम होगा, वो डिनोवो सिंथेसिस को बढ़ाएगा और यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। ये बात तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। पर यहाँ पे सवाल बन सकता है कि वाई देयर इज न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज। गाउट में भी तो यूरिक एसिड बढ़ रहा था पर वहाँ तो न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज नहीं थी, यहाँ पे ऐसा क्यों? तो रीज़न इसका क्लियर कहीं भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो मुझे लगता है वो ये हो सकता है कि हमने सबसे पहले जब डीनोवो सिंथेसिस और साल्वेज पाथवे में अंतर पढ़ा था, तो वहाँ हमने कुछ सेल्स की बात की थी जहाँ पे केवल साल्वेज पाथवे से ही प्यूरिन सिंथेसिस हो सकता है, वहाँ पे डीनोवो सिंथेसिस होता है एब्सेंट। उसमें एक एग्जाम्पल पढ़ा था हमने ब्रेन का, तो ब्रेन में अगर HGPRT डेफिशिएंसी हो जाती है तो वहाँ पे साल्वेज पाथवे जो कि एकमात्र रास्ता है प्यूरिन बनाने का वो भी नहीं चलेगा, और उसकी वजह से वहाँ पे प्यूरिन्स नहीं बनेंगे, और प्यूरिन्स नहीं बनने की वजह से वहाँ पे हो सकती है न्यूरोलॉजिकल। तो दोस्तों आई होप आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, ये वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये चैनल अभी इसकी ग्रोइंग फेज में है और यही वो फेज़ होती है जिसमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, और अगर हमें आप कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।